रहे कि ये प्रभु के घर लगातार आते रहे प्रभु जी इन जब भी कोई गल इन मन में होंगी प्रभु जी इन्हों की हर एक मन की इच्छा पूरा कर दे। इस बारे इन्हें अपनी बेटी का रिश्ता करना सी इन्हों के मन में सी कि मैं प्रभु के घर जाने वाला लड़का मिले और वधिया होवे घर भी वधिया होवे बेटा भी पढ़िया लिखा होवे। प्रभु जी ने इस तरह किया जब लगातार जीजस मसीह चर्च चाहते सी प्रभु के दास घोषणा करते कि तुहानू ईश्वरी रिश्ते मिलने वास्ते जा रहे लगातार रिसीव करते रहे। प्रभु जी की महान कृपा हुई इन दासां दे द्वारा वचनां दे द्वारा इन्होंने बेटी का पहला ही रिश्ता वेख्या पहला ही रिश्ता बहुत वधिया मिलिया और अंगेजमेंट हो चुकी। इस महान कृपा वास्ते बेटा प्रभु के घर विच जांदा है। ये सिस्टर जी बहुत खुश हैं कि मैंने प्रभु के मनन असी प्रभु नूं मानदे ते प्रभु गाड़ी सानूं जिहड़ा परिवार प्रभु नूं भी मनन वाला दिता है। प्रभु की महान कृपा वास्ते प्रॉफिट जी और प्रभु जी का दिल तो धन्यवाद करते सब भैन भाई जोरदार तारीफ करांगे आमीन। प्रॉफिट जी सिस्टर का नाम लखविंदर कौर पिंड शहर वेरके तो आए इंदिरा कनौली सिस्टर की अगवाई की लगातार चर्च आते रहे प्रभु के दास जब घोषणा करते कि जिन्होंने वचना की समझ नहीं लगती समझ लगन वास्ते जा रही सिस्टर अनपढ़ हन बाइबल पढ़ नहीं सी सकते लगातार फोन के उत्ते वचन सुनते और प्रार्थना करते रहे प्रार्थना के विच लगातार मांगते रहे कि प्रभु जी मैनू वचन पढ़ने और वचन पढ़न की समझ आ जाए। प्रभु की महान कृपा इन्होंने दासा के द्वारा वचना के द्वारा प्रभु जी ने सिस्टर ब्लैस किया होने इन्हों वचना की पूरी समझ लगती है। इस महान कृपा वास्ते प्रभु जी और प्रभु जी के दासों का दिल तो धन्यवाद करते सब भैन भाई जोरदार तारीफ करेंगे आमीन। प्रभु जी सिस्टर का नाम रेनू ये शहर बटाला रोड तो आए हैं। इन्हों की गवाही है कि एक साल तो चर्च जाते पर इन्हों कोई भी इन्हों का शरीर जरा तीन साल तो बहुत ज़्यादा हिलता से मासा जिन्ना भी इन्हों फर्क जरा नहीं पैंता। फिर एक दो महीने हो चुके लगातार इस चर्च आते रहे जिस तरह प्रभु के दास घोषणा करते कि तुहाड़ियां लंबे समय दियां बीमारियां जा रही हैं रिसीव करते रहे वचन पढ़ते रहे। पिछले हफ्ते प्रभु के दास इन्हां दे घर गए इन्हां नूं समझाया कि तुसी रोजे रखो प्रार्थना करो। जदों दे चर्च जांदे सी इन्हां ने कदी भी रोजा नहीं सी रखिया रख नहीं सी पाउंदे। इस हफ्ते प्रभु की महान कृपा इन्ह दासां दे द्वारा वचना दे द्वारा प्रभु जी ने नाल इन्हां नूं उस बीमारी तो छुटकारा दिता पहले नालों बहुत ज़्यादा फर्क है और दो रोजे रखे इस बार इन्ह तिना सालों के इन्ह कदे रोजा नहीं सी रखा। इस महान कृपा वास्ते प्रभु जी और प्रॉफिट जी का दिल तो धन्यवाद करते सब भैन भाई जोरदार तारीफ करेंगे आमीन। प्रॉफिट जी सिस्टर का नाम रोजी पिंड ना कलां सिस्टर जी गवाई के पिछले मंगलवार की गल इन्होंने अपने घर सौदा लिया और सौदे के चूहों की दवाई लैके आँदी सी। इन्हों के घर में चूहे बहुत सारे हैं इन्हों की बेटी पांच साल की एक किसी काम लग गए उसने चूहों की दवाई कटी और दंदी वाड़ दी। इन्होंने उस वक्त प्रभु की दासी को फोन पर प्रार्थना करवाई कि मेरी बेटी नूं कोई प्रॉब्लम ना आए। प्रभु की दासी के द्वारा प्रभु जी ने इस बच्ची नूं बचाया मासा जिन्ना जिनी भी प्रॉब्लम नहीं आन दी। इस महान कृपा वास्ते सिस्टर प्रभु जी और प्रभु जी के दासों का दिल तो धन्यवाद करते सब भैन भाई जोरदार तारीफ करेंगे हालेलुया। इन लोगों को समझ लगी आ इस सिस्टर ने बच्ची ने चूहे वाली दवाई खाधी आ पर प्रभु की दासी को प्रेर कराई बच्ची नूं कोई असर नहीं आया परमेश्वर के नाम दे विच तारीफ करो जोर दे नाल। दूसरी गवाही इन्हां दे जीवन की है कि बुधवार चर्च आए सी ते जो साड़ी सेवा चल रही है चर्च की जगह लैण वास्ते सिस्टर को 500 रुपया ही पहला इन्हां सोचा कि मेरे को घरे कोई पैसा नहीं है जे मैं पैसे दे देवांगी ते की वरतांगे। फिर प्रभु ने इन्हां दे मन विच पाया कि तुसी प्रभु दे घर विच दो प्रभु तुहानू ब्लैस करनगे। एक एक काफ़ी दिनों तो फ्रिज लैण वास्ते सोच रहे सी जांदे सी पर इन्हां नूं बिना प्रूफा ते किस्तां ते किते भी फ्रिज नहीं सी मिलदी। जद इन्हां बुधवार प्रभु दे घर दी जगह वास्ते 500 रुपया दिता उस वक्त उस दिन प्रभु जी ने इन्हों के उस बंधन नूं तोड़िया और इन्हों नवी फ्रिज दिती बिना प्रूफा तो किस्तां ते मिली। इस महान कृपा वास्ते प्रभु जी और प्रॉफिट जी का दिल तो धन्यवाद करते सब भैन भाई जोरदार तारीफ करेंगे आमीन। हालेलुया। पिछली साइड ते ब्रदर
ਬੱਲਾ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀਜੋ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਆ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਸੁਣੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੰਗਲੋ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਦੀ ਲੁਕਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਵਾਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀਆਂ ਆਮੀਨ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹਾਂਜੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰੋ हालेलुया हालेलुया सब जन गवाही सुनांगे हालेलुया प्रोफेट जी सिस्टर जी दस रहे ने कि जदों दी जीसस मिनिस्ट्री दे विच आ रहे ने प्रभु जी ने इन्हां नूं बहुत सारियां बरकतां बरकतां दे नाल ब्लेस कीता है पौणा फर्स्ट पाल जी पाओ फर्स्ट पाल दे पाओ प्रभु जी ने इन्हां दी दोनों बेटियां नूं जॉब दित्ती है जॉब दे नाल ब्लेस कीता है उस खुशी दे विच मिठाई लेके आए हैं और हार लेके आए हैं प्रभु के दासां दे वास्ते और वे पाना चाहते हैं दो शब्द इन्हों के मुँह सुनांगे किस तरीके ने नौकरी मिली अगे भी आप इन्होंने गवाही सुनी किन्ने लोगों ने सुनी सी कि मेरा घर वाला मेरे हाथों रोटी नहीं खाता हूँ मैं आप रोटी बना के की करता वेखो चर्च आना शुरू किया इन्होंने दोनों बेटियां प्रभु ने नौकरी के नाल ब्लैस किया वा क्योंकि मेरे जीजो जो चर्च में आएगा वचन पढ़ेगा सेम जगह तो ना वेखो भी बैठे कितने ये वेखो कि आनंद कितना वा बाइबल च लिखा जिते दो जा तीन मेरी नाम के कारण कटन गए उत्थे मैं की हाँ वो हजूरी में जो तुम हूँ तो बड़ा समा बदल गया प्रभु यीशु पहाड़ी के उपर पत्थर के उपर बैठ के तो लोगों अपना वचन की करते जी हूँ तो डिजिटल जमाना होगा डिजिटल उदो कोई साउंड नहीं कुछ नहीं लखा भीड़ा ही प्रभु के मगर रिंदियां ही समय लगी सिस्टर के पास आप दो शब्द सुना के सब ध्यान देके हाँ जी अपना नाम सिस्टर जी तुझे जगह तो आए मैं मजीठो आई है तुम मजीठो आए थोड़ी शार्प कर दे आज पुत्र थोड़ी शार्प कर मेरा नाम मनजीत कौर है तुम्हारा नाम मनजीत कौर हाँ जी पहला खुशी है भी मेरे घर मेरा सर भी गए ने नाल मेरी भैन जी भी गए ने मैंने इन्नी बहुत खुशी हुई है मेरी एक मेरे दोवें बेटियां नौकरी मिली सरकारी मैं तीन साल हो गए चार मैं बहुत थावां ते जांदी हाँ चर्च भी बहुत मैं फिरे हाँ पर मैं इतने परमेश्वर ने बहुत वड्डा ही मेरे काम किए मिरेकल्स बहुत वड्डा मिरेकल है हुण एक मिरेकल आख दा भी हुण वास्ते आ रहा घर विच भी बड़ी मुश्किल ही वो भी मेरी परमेश्वर ने बहुत ठीक की आ एक मुश्किल होर रह गई आ वो भी प्रभु ठीक कर दे मैं इतने हार लेके आवां नाल मैं डब्बे लेके आवां परमेश्वर मेरे बेटे की अख ठीक कर दे परमेश्वर ने दोवां नौकरी दे दी सरकारी नौकरी मिली है सरकारी नौकरी हां जी क्या बात कितने लोग संडे मेरे जीजो दोनों बेटियां खुदा ने सरकारी जॉब नाल ब्लेस किया सरकारी नौकरी लैनी मजाक नहीं आ मेरे भैन भरा हाँ जी हाँ जी कोई पैसा नहीं लगा फ्री मिल गई परमेश्वर ने बहुत जो चर्च आना शुरू किया जो पहले बहुत चर्चा में गए तो जो चर्च शुरू किया पहले नंबर से प्रभु ने जीवन साथी की लाइफ नू चेंज किया फिर उस तो बाद बेटिया नू सरकारी नौकरी ना ब्लेस किया होर घर दे विच चेंज की आया तुहाडे हुण बदलाव की आया डॉक्टर ने जवाब देता वा हुण चमत्कार होगा ना कितने लोग सुन रहे इन्हां दे बेटे दा एक्सीडेंट होया और उहदी जिहड़ी अख दी लाइट जा चुकी आ डॉक्टर ने बिलकुल जवाब देता कि साडे समझ विच कुछ नहीं आ हुण प्रभु या करिश्मा की आ करेगा पर प्रभु की कर सकदा तुहानूं पता जिहड़े विश्वास करदे जिहड़े बंदगी टंड करदे आ जिड़े अपने परिवारों ने छूंदे आ तो तुसी मेरिकल जरूर वेखोगे जिहड़े लोग सुनदे आ ये होएगा होएगा जरूर होएगा ये दस रहे ने कि इन्हां दीआं दोनां बेटियां नूं सरकारी स्कूल दे विच टीचर दी नौकरी मिली आ टीचर दी नौकरी मिली आ टीचर दी तारीफ करो परमेश्वर दी
वेरी गुड। वेखो मेरे भैन भरा सुनो, ये सिस्टर ने कल ने पहले आना चर्च शुरू किया। जो कल चर्च आते रहे तो प्रभु के दास जो उन्होंने सरमन जो वचन देंदे सी वचना पढ़ते और उपर असर करते मतलब गौर करते। इन्होंने एक ही गल समझाई सी भी किसी के मगर नहीं लगना, प्रभु के नाल बने रहो। किन्ने साल तुम चर्च गए पहले? तीन साल। तीन साल तो मसीह दे विच जे तुम इधर इधर रख उधर कैमरा रख मेरे ते मारन की लोड़ नहीं। तुम मसीह च तीन साल तो जी? चंडीगढ़ वाले ने अज उन्होंने फैमिली भी आई है पिछली साइड से बैठे उन्होंने मेरे को जो ड्राइवर ने गड्डी चलाते यो लै गए उन्होंने सिस्टर पिछे बैठे ने येलो पग वाले और देखो हाँ जैमनू जैमनू प्रभु दे दास ने तुहानूं जो वचन सुनते फिर साडियां जिहड़ियां सिस्टर वलंटियर ने सिखाते इस तरीके रोजे रखने इस तरीके मिड नाइट प्रेयर करने पवित्र वचन पढ़ने चलते रहे। तो पहला चमत्कार की होया कि घर वाला तुम जादूगर नहीं बोलता मैंने दसिया इन्होंने दसो की कहता सुनो सब ध्यान कलीसिया सुनो सुनो हाँ मेरा घर वाला मैं कहना तू जादू पवनी है मेरे उत्ते मेरे सारे उन्हें अंग साक भी छड़ दिते ही मेरे को रोटी भी नहीं सिखाता मेरे किसी भैन भरा मिलता नहीं ही हाँ मेरे बच्चों भी गुस्से हों मेरे बच्चों को आटा खो के बाहर सुट दिता ही कि लोग सुन रहे ऐ ध्यान देखो गवाइया जड़िया तुम स्ट्रोंग कर। हाँ जी हाँ जी उस तो बाद हूँ मेरे घर वाला बहुत मेरे ठीक है हूँ मैं कुछ नहीं कहता ना लड़ता ही है ना मेरे बच्चे ना लड़ता ना मेरे ये दसो कि जो जो चर्चा में अलग अलग थान जाते हो पर जिस तरह प्रभु के दास तुम अलग अलग तरीके सिखाते हैं तुम कभी कोई खुदा का दास मिलया नहीं तुम किसी ना कभी मिल के गल नहीं सी की क्योंकि नहीं मिलते नहीं मिलते इस करके फिर प्रभु के दासा ने मिले साडिया सिस्टर ने तुम सिखाया बुधवार संडे लगातार अटेंड करना शुरू किया किन्ने महीने फर्क पैना शुरू हो गया तीन साल च कोई फर्क नहीं इतने कि मीटिंग अटेंड की कि चर्च में घर च नौकरी आई तो घर जीवन साथी की जी लाइफ चेंज हुई एक महीने फर्क पै गया कि लोगों ने सुनिया तारीफ छोटी है ताकि ऐ तारीफ छत पाड़ दो चाननिया दो हिस्से कर दो जोर के नाल तारीफ करो मेरे भैन भरा सुनो आपां किसे नूं चंगा नहीं करते साडा काम है तुहानूं वचन देने ताडा काम है चाल चलन सही रखना प्रभु दे वचनां ते बने रहना ते इन्हें एक महीने में गवाई आ तो तुसी भी एक महीने च दोगे जो तुसी करन वाले होगे तो जे खा पी के सौण वाले ते सुस्ती वाले होगे तो फिर महीने लगनगे साल भी लग सकते आ किन लोगों ने समझ लगी आ साल भी लग सकते आ ये भैन ने विश्वास किया सिस्टर ने मेहनत की अज वेखो खुदा ने उन्होंने वड्डी गवाई दे नाल खड़ा किया अज डब्बा लैके आया संतान हार पाना चाहते तो मैं कहना हार तो ना ही पवाई तो चंगा वा नहीं मैं पाना आया पाना वा हाँ जी चलो लिया जी पाओ फिर तुसी मेरे बेटे की अख से हाथ रख दवा की थी। हाँ वो दी माड़ी जी अख सीधी हो गई है लोगों ने तारीफ 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 करो भाई चमत्कार सुन तालियां नहीं मार दे अच्छा अख सीधी हो गई है रोशनी और कहने देनी तारीफ करो जोर तेना रोशनी भी आ रही है गवाही देगा जगह ध्यान के आमीन ठीक है जी ठीक है होर कुछ होर के गवाही ठीक है तारीफ करो हार दे वास्ते हार हार का मतलब हार तो नहीं कि मेरी होंडी हार जित होंडी हले नहीं आ बिल्कुल 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 वेखो ये भैन कह रही मेरे दास मेरे घर के मैंने बहुत ज्यादा खुशी आ वेखो मेरे जीजो मैं नहीं कहता कि गैर कौमां जातियां प्यार साढ़े भैन भरा भी बड़ा प्यार करते हैं पर इस भैन के अंदर रीझ वेखो किन्ने नौकरियां मिली खार लिया घर वाले नूं ठीक किया बेटे की अख जी टेढ़ी जी तो डॉक्टर हाथ खड़े कर गए एक बार हाथ रख प्रेर की अख के मैंने कहना मतलब कि एक आशा की किरण सानू नजर की आ तारीफ 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 आमीन हाँ नेक्स्ट भाई ठीक है जी ठीक है तुसी ऐसा हालेलुया
जसप्रीत कौर आ साडी गवाही इस तरह के साडी अपनी बेटी है मेरे जेठ की बेटी आ इहदी गवाही इस तरह के ये बहुत ज्यादा ही मतलब पूजा कर दी होर देवियां देवतियां की बहुत ज्यादा कर दी पूजा बहुत ज्यादा कर दी ही मुड़के ना इन्हें बहुत ज्यादा इस तरह कई काम जड़े ही करने चाहती ही कि मैं खरे इस तरह ही हो जाने तो वह नहीं गल बनती कि मुड़के असं आने तो सू इस तरह बड़ी खेच चढ़ती होंगी जो इस तरह करती होंगी तो अं मुड़के इस तरह साढ़े वाल वेख के तो एक दिन कहती कि आंटी मैं भी ढे ही जाना चाची मैं चलो कोई गल नहीं साढ़े नाल ही आ जा करो तो हूँ ये भी हूँ प्रभु की पूजा करती है प्रभु की दुआ प्रार्थना च लगी रही आ रोजे भी रखती आ तो बहुत वधिया चलन दी है गुड़िया साड़ी तो हूँ ये गल सोचती है पछताती है कि मैं पहला क्यों नहीं प्रभु दे विच आई मैनू बहुत ज़्यादा पहला ही आ जाना चाहिए ही प्रभु दे विच ते हूँ ये गल बहुत पछताती है तो हूँ ये बहुत वधिया चल रही है परमेश्वर दे विच। दूसरी गवाही साड़ी ये वा कि मैं एक प्रार्थना शुरू की है भैन ने भी प्रार्थना की भैन कुलदीप ने अही ये प्रार्थना शुरू की कि मैं इन्हू नहीं दसिया मैं वैसे ही अपने वालों प्रार्थना शुरू की कि मैं जो प्रार्थना करती हाँ ना तो मैं कहा है कि प्रभु जी साढ़े हरियानगर के स्वर्ग दूत आन तो बहुत सारे लोग ना इस नगर के मुक्तिदाता ग्रहण कर लैन तू बहुत सारे लोग जोड़े कबूल कर लैन तो इस तरह ये थोड़े दिन होए तो साढ़े पिंडों दो तीन परिवार जोड़े ने जोड़े परमेश्वर आ गए ने तो भैन ने मेरे न मेरे ना गल की मैं क्या मैं थोड़े दिन हो मैं प्रार्थना शुरू की तो कहें कि मैं भी प्रार्थना शुरू की आ यही कि बहुत सारे लोग जोड़े आ साडे नगर के जोड़े हरिया के तो प्रभु को कबूल कर लैन तो प्रभु को मुक्तिदाता ग्रहण कर लैन बहुत सारे लोग साढ़े नाल होर भी इस नगर के जाया करन साढ़े नाल सानू इस गल दे विच सानू खुशी है तो उस दिन संतान ने एक दिन ऐसे जगह पर प्रोफेसी की कि तू घर जाते ही नहीं बहुत बार से उधर घर की इन्होंने प्रोफेसर संतरे तुम जो घर जाओगे तो गुड न्यूज़ मिलेगी तो किसी को कोई मिली होएगी किसी को कोई मिली होगी घर दिया बरकतों की मिली होएगी तो सानू ये गुड न्यूज़ मिली ही इन्होंने मैं भैन ने मुड़ के शाम को फोन किया कहें कि आपू एक गुड न्यूज़ मिली मैं क्या कि कहें साढ़े वास्ते जो गुड न्यूज़ आ उ ही सानू मिली है मैं क्या कि गुड न्यूज़ मिली आपको तो ये कह लगी कि दो परिवार ने जोड़े मतलब प्रभु साढ़े पिंडों भी आ गए ने जिन्हें बुत प्रस्ती छी आ एक गुड़िया हाड़ी अपनी तीन परिवार ने जो परमेश्वर फिर चल रहे ने सारी भैन भाई जैमसी की रब के दासां भी जैमसी की मेरे जीवन की इन्नी गवाही तारीफ करो जोर दे नाल धन्यवाद प्रभु यीशु दा जिन्हें सानू दो परिवार हो हरियां दी दित्ते तारीफ करो वेरी गुड मैं शाह सब हर पासे इलाके दे विच जीजस मिनिस्ट्री छा रही है बहुत सारे लोग नवे आ रहे हैं अपने हाथों को हिला दे अपनी जगह पे आओ हस्बैंड और वाइफ अपने हाथ ही लाओ प्रॉफिट जी सिस्टर का नाम रेखा है पंडोरी तो आए भैन की गवाही इस तरह के इन्हों के पति की टी शर्ट कुछ दिन पहला गुम हो गई सी इन्हें बहुत ज़्यादा लभन की कोशिश की पर इन्हों कि भी वो टी शर्ट नहीं लभी जब लगातार चर्च आते प्रभु के दास घोषणा करते कि तुहाड़ियां गुम हुई चीज़ा तुहानू मिलने वास्ते जा रही फिर सिस्टर जी ने टी शर्ट जिस दिन मिली वो उपर बहुत सारे जादू टूने के कट लगे हुए सी और जब टी शर्ट इन्होंने जीवन साथी ने पाई उस रात उन्होंने बहुत तेज बुखार हो गया लगातार चार दिन बुखार चढ़िया जिदा इन्होंने इलाज करवाया बहुत सारी दवाई ली पर कोई भी फर्क नहीं सी पै रहा फिर प्रभु की दासी को प्रार्थना करवाई उस दिन इन्होंने पति फस्ट मीटिंग प्रभु ने बुखार तो आजाद किया उस दुष्ट आत्मावान तो जो जादू टूने के द्वारा इन्होंने जीवन चाहिया आजाद किया उस दिन के बिल्कुल ठीक है कोई बुखार नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं इस महान कृपा वास्ते अपने प्रभु जी और प्रभु जी के दास और दासी का दिल तो धन्यवाद करते सब भैन भाई जोरदार तारीफ करेंगे आमीन
हालेलुया। सब तैयार हो जो प्रभु के सरमन। हाँ का